चेन पुलिंग करने के कारण आखिर ट्रेन रुक कैसे जाती है? देखिए, ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम एयर प्रेशर ब्रेक मैकेनिज्म पर काम करता है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो ट्रेन की बोगियों के नीचे दो बड़ी बड़ी पाइप्स लगी होती हैं और यही पाइप्स ट्रेन के ब्रेक्स का प्रेशर मॉनिटर करती हैं। और ट्रेन के व्हील्स के दोनों तरफ दो ब्रेक शूज लगे होते हैं और जब ट्रेन का लोको पायलट एयर प्रेशर फिल करता है तो इस प्रेशर के कारण ब्रेक शूज ट्रेन के व्हील से 5 mm पीछे हट जाते हैं और जिससे ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब चेन पुलिंग होती है तो यही प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है जिसके कारण ब्रेक शूज व्हील के ऊपर आकर चिपक जाते हैं और फ्रिक्शन के कारण ट्रेन रुक जाती है।